आज की जो क्लास है वो क्लास टेंथ के विज्ञान का जो दूसरा नंबर चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, उसी का अभ्यास का प्रश्न है। सभी अभ्यास के प्रश्न को हम लोग एक एक करके समझेंगे और आप यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसके पीएच का मान संभवतः क्या होगा? देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला करने का पावर क्षार में होता है। किसमें होता है? क्षार में होता है, लाल को नीला करने का पावर। और क्षार के पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है, जो 7 से ज्यादा इसमें कौन है? 10 वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, वो इस विलयन का नाम क्या होगा? देखिए, कैल्शियम, पहले बात समझिए, जो अंडा का जो कवच होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? तो अब देखिए, इसको अभिक्रिया कर रहा है तो दूधिया करता है, अलवण क्या होता है? HCl बनेगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें कैल्शियम, ऐसे समझ लीजिए क्या कि अंडे का जो कवच होता है उसमें कैल्शियम भी होता है, तो कैल्शियम अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम उसमें क्लोरीन में, कार्बोनेट में क्लोरीन होता है। हाँ, कोई बिलियन अंडे के पीछे हुए, कोई बिलियन है, बिलियन मतलब क्या है? वो बिलियन डाला हुआ है। अच्छा, एक बिलियन है, ये है, बिलियन बनाना नहीं है, बिलियन है ऑलरेडी। बिलियन का मतलब एक घोल रखा हुआ है, इसमें कौन सा घोल रखा हुआ है? ना कौन सा घोल रखा हुआ है ये पता है, ये तो क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, कौन सा बिलियन ये पता हम लोगों को है ही नहीं, वही पता करना है कि कौन सा बिलियन है। और उसमें डाल क्या रहे हैं? कवच, अंडे का जो ऊपर वाला भाग होता है ना कवच, उसको पीस के डाल दे रहे हैं उसमें, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता, तो वो बिलियन कौन सा होगा? तो वो HCl होगा, HCl अभिक्रिया करने से होगा। मतलब ये जो अम्ल है वो HCl है, जो HCl अभिक्रिया करता है किससे? अंडे के कवच से, तो बनाता है क्या? एक ऐसा द्रव बनाता है, कौन गैस बनाता है? लगभग वो बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है सर, उसी गैस को प्रभावित की जाए तो दूधिया कलर कर देगा वो। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल में इसको याद कर लीजिए कि इस क्या कौन सा पदार्थ है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, NaOH का 10 मिलीलीटर का बिलियन है, मतलब एक NaOH मतलब पानी, अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 10 मिलीलीटर है, उसमें 10 HCl के 8 मिलीलीटर का बिलियन मिलाया है, ठीक है, उदासीन कर देता है। ये है आपका क्षार, ये है आपका अम्ल, इतना क्षार को इतना अम्ल बिलियन करता है। देखो बात को समझो, NaOH कितना है? 10 मिलीलीटर, और HCl कितना है? 8 मिलीलीटर। ठीक है, तो कह रहा उसी बिलियन का अगर 10 मिलीलीटर ले, मतलब इसको 10 से 20 कर दे सॉरी, तो ये कितना होगा? तो स्वाभाविक है, दुगुना होगा, तो ये दुगुना होगा, क्या होगा? दुगुना, यानी ये 10 मिलीलीटर था तो ये 20 मिलीलीटर हो गया है। देखो बात को समझो, इसका मतलब ये हो गया कि 10 गो ललका रंग और 8 गो पीर का रंग मिलाते हैं तो रंग कैंसिल हो जाता है, मान लीजिए वो बात करें, तो अगर हम 20 गो ललका रंग करें तो क्या गो पीर का रंग करना पड़ेगा? नहीं समझा, कैंसिल करने के लिए ये अम्ल है, सॉरी क्षार है, ये अम्ल है, और क्षार अम्ल को कैंसिल कर जाता है, कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं ना। तो जब इतना इतना क्षार को हटाने के लिए 8 गो अम्ल चाहिए, 10 गो क्षार को हटाने के लिए 8 गो अम्ल चाहिए, तो 20 गो क्षार को हटाने के लिए कै गो अम्ल चाहिए? नॉर्मल बात है कि नहीं है? नहीं समझे, तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि 10 गो बच्चा टीम ए का है, उसको हराने के लिए 8 गो बच्चा हरा लेता है या बराबर में रहता है, रस्सा कसी के खेल देखे हो, तो एक तरफ 10 गो बच्चा है, एक तरफ 8 गो बच्चा है, दोनों बराबर में है एकदम, इन्हें 20 गो हो गया तो इन 10 गो और बढ़ गया, तो इन 10 गो बढ़ गया तो इन्हों 8 गो बढ़ा देंगे, काम खत्म। नहीं, सिंपल सी बात है, तो ये 8 8 16 हो गया, ये कितना हो गया? 20 हो गया, ये 20 है तो ये 16 रहेगा, समझ रहे हो? ऐसे भी समझ सकते हो दिमाग लगा के। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अपच का उपचार करने के लिए इसमें से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है ना, एंटासिड होता है ना, एंटासिड नामक जो दवाई होती है अपच की बीमारी को ठीक कर देता है। एंटासिड मार्केट में मिलता है, आप खरीद सकते हैं, कैप्सूल भी आता है, कैप्सूल खरीद के खाइएगा तो अपच जो हो गया, पेट में पच नहीं रहा तो उसको अपच ठीक कर देगा वो। अगला क्या है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद में उसको संतुलित भी कीजिए। तो इस शब्द समीकरण लिखना है आपको, शब्द समीकरण को लिख के उसके बाद संतुलित भी करना है आपको,
तो चार को समीकरण यहाँ दिया है, चारों का यहाँ सब समीकरण लिख के तब उसका समीकरण लिख के संतुलित किया गया, किया गया है। इसमें सबसे पहला है, पहला कह रहा है कि जब कह रहा है क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो जिंक का अभिक्रिया करा है सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है ना। तो जिंक को कहते हैं ZN, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4, अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना, ZnSO4 बना लिया और हाइड्रोजन गैस निकाल दिया, ठीक है ना। इसको आप संतुलित कर सकते हैं खुद से, जिंक इधर एगो है, इधर भी एगो है, हाइड्रोजन दो गो, हाइड्रोजन दो गो है, सल्फर यहाँ पे एगो, सल्फर एगो, ऑक्सीजन चार गो, चार गो, संतुलित है। अगला है मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो मैग्नीशियम का होता है Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, और तनु का मतलब समझ में करते, तनु बताए थे कल पानी वाला मिला हुआ, पानी वाला को कहते हैं तनु, तनु कहते हैं ना, कल पढ़े थे ना, उनको तनुकृत करना सिखाए थे कि पानी में एक एक बूंद अम्ल डालते हैं और फिर उसको मिलाते हैं तो तनुकृत हो जाता है, तनु अम्ल समझ ही रहे तुम। तो Mg है माने मैग्नीशियम है, उसका HCl के साथ अभिक्रिया कराया तो बना मैग्नीशियम क्लोराइड और बनाया क्या, हाइड्रोजन गैस। अब Mg देखिए, Mg क्या गो है, एगो एगो, हाइड्रोजन दो गो, हाइड्रोजन दो गो, क्लोरीन क्लोरीन दो गो और क्लोरीन दो गो, ये संतुलित है। तो आप लोग इसको दो हटा के संतुलित करिएगा घर पे, पहले एक बार हटा बोले ना कैसे संतुलित करते, एक बार हटा के रख लीजिएगा फिर संतुलित कीजिएगा। अगला है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम को क्या कहते हैं Al, सल्फ्यूरिक अणु को क्या कहते हैं H2SO4, अभिक्रिया करने पर क्या बना रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट बना रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए एल्युमिनियम दो गो, एल्युमिनियम दो गो, हाइड्रोजन दो तीन दुना छः गो, हाइड्रोजन क्या होगा तीन दुना छः गो, सल्फर हो गया तीन इकाई तीन गो, सल्फर यहाँ पे तीन इकाई तीन गो, ऑक्सीजन चार तिहाई बारह गो, ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे चार तिहाई बारह गो, इधर भी क्या हो गया चार तिहाई बारह गो, संतुलित है। इसको जो आके घरे क्या करना चाहिए तुमको, ये दो हटाना चाहिए, ये तीन हटा देना चाहिए था, और ये वाला इन हटाना, बाएं साइड वाला हटाना, जब ये वाला ये वाला ये वाला हटा देना, उसके बाद तुम संतुलित करना, संतुलित खुद से करना तब ना आएगा तुमको संतुलित करने। अगला आयरन को क्या कहते हैं Fe, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl, अभिक्रिया करने के कारण FeCl3 फेरस क्लोराइड और क्या बना दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो इसको भी तुम जाके घरे दो छ दो आ तीन हटा देना और उसके बाद संतुलित करना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है छ नंबर जो अभ्यास का क्वेश्चन है, क्या है, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होता है, होता है बिल्कुल होता है, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, अम्ल इसको नहीं कहते हैं, क्यों, ये क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित करके बताइए हमको क्यों नहीं कहते हैं। कल भी बात हम डिस्कस किए थे कि भैया अल्कोहल में और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है मानते हैं है, परंतु ये जलीय घोल में H प्लस आयन नहीं देता है, यही बात सही है। तो खाली हाइड्रोजन होने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह अम्ल है, इसका मतलब तो जिसमें हम हाइड्रोजन देख लेंगे कह देंगे कि अम्ल है, नहीं, हर हाइड्रोजन वाला यौगिक अम्ल नहीं होता है, अम्ल वह यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन भी हो और जल में घोलने पर H प्लस आयन भी देता हो, हर किताब लेके आने वाला विद्यार्थी नहीं होता है, विद्यार्थी वह होता है जो किताब लेके आता भी हो और समझ के बनाता भी हो और टेस्ट में लिखता भी हो, वो विद्यार्थी होता है, समझे। सब विद्यार्थी नहीं हैं आप में से सब विद्यार्थी नहीं हैं, कुछ देखने के लिए विद्यार्थी हैं, दिखावा वाला विद्यार्थी, तो दिखते विद्यार्थी की तरह ही हैं, जैसे इसमें जैसे अल्कोहल में ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है, हम नहीं करेंगे नहीं होता है, मगर जब इसको जल में घोलते हैं तो H प्लस आयन नहीं देता है, ठीक उसी विद्यार्थी की तरह देखता तो सब है, सबको समझ में आ रहा है, देखने से लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है, जब टेस्ट बार में देते हैं तो लिखा नहीं होता है, तो उसको कैसे कह देंगे कि विद्यार्थी है, वो तो पेटार्थी है, पेट के लिए सोचता है, सिर्फ खाया पिया बस हो गया, जैसे जानवर करता है, भैंसी करता है, बैल करता है, खाना पीना और हगने के अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता इंसान, वो क्या कहिएगा आप, विद्यार्थी नहीं कर, विद्यार्थी का लक्षण क्या होता है, वो पढ़ने के समय छटपटा के पढ़ेगा और जब टेस्ट देना होगा एकदम सटीकता के साथ आंसर लिखे, एकदम साफ साफ, कोई चोरी नहीं, एकदम सर दिखा क्या पढ़ाए हैं, वही तो ले रहे हैं टेस्ट, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो पढ़ाए नहीं वो क्वेश्चन टेस्ट ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर भी है सेम टू सेम,
दिखता है वो, परंतु है नहीं। इसलिए जानवर के कैटेगरी से बाहर निकलिए। हम बार बार कह रहे हैं आप विद्यार्थी की कैटेगरी में आइए, तभी आइएगा जब आप टेस्ट में सही दीजिएगा। बाकी आप कितना चिल्लाइएगा कि सर हम बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज हैं पढ़ने में, हम नहीं मानेंगे। वो टेस्ट का कॉपी आपका रखा हुआ है, फिर कल आप परसों आइएगा, फिर परसों इसका टेस्ट होगा, जो आप पढ़ा रहे हैं आज वो परसों टेस्ट है। अब इसका आंसर उसमें कितना सटीकता से आप लिखते हैं ये साबित कर देगा कि आप विद्यार्थी कैसा है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छा से ही लिखिएगा आप, और वो जो टेस्ट का कॉपी है वो अच्छा से तो नहीं लिखिए, अभी तक हम जानिए रहे हैं, और पिटाई लगेगा तो वो भी तो श्योर है। वो सब देखिए तो अल्कोहल, देखिए आंसर क्या है, अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, मतलब इसको अम्ल हम नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपने जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देता है, ठीक उसी विद्यार्थी की तरह जैसे टेस्ट में आंसर नहीं देता है। देखने में तो कोई अंतर नहीं है, जो तेज विद्यार्थी है और जो बकरोल विद्यार्थी, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। आँख मुंह नाक कान जीव त्वचा हाथ सब बराबर बराबर है, किसी को तो छो घूम लेता है एक्स्ट्रा भी रहता है, किसी को तीन कानों होता है पीछू का सुन लेता है बात, फिर भी टेस्ट में नहीं पाता है क्या। तो परसों पता चलेगा, परसों पता क्या चलेगा, हमको तो पता चल ही गया, तुमको पता चलना चाहिए। सिर्फ आप पहले वाला जमाना खत्म हो गया कि बस्ता लेके चल दिए तो लोग कह रहा है कि विद्यार्थी है, नहीं अब लोग कहता है रिजल्ट कितना वाला उसे बताओ छोड़ ना विद्यार्थी, पढ़ ले कि ना पढ़ ले उसे कोई मतलब ही ना हो। तो बहुत दिन खेल होता है नंबर बढ़िया आएगा तो लोग कहेगा बहुत बढ़िया है, तो बहुत दिन पढ़ो नंबर खराब आएगा बैक पर क्लोल है, मतलब उससे नहीं है कि कहती है नंबर क्या मतलब होता है। देखो बुआ तो प्रयोग करके दिखा रहा है क्या कर रहा है, ये कॉर्क लगा के कील लगा के 6 वोल्ट के बैटरी उटी लगा के सब रख रहा है उसमें चित्र के अनुसार चित्र दिया है किताब में, उसमें क्या क्या 6 वोल्ट के बैटरी जोड़ के उसमें बल्ब लगा के देखता है तो H+ आयन, अगर H+ आयन बनता तो उसमें करंट जाता कि नहीं आता है। जैसे हम एक बीकर लगा लिए, इसमें हम एक करंट लगा दिए, यहाँ पे बना लिए वो एनोड बना लिए, कैथोड, एनोड कहते हैं प्लस वाला को, कैथोड कहते हैं माइनस वाला को, इसमें प्लस वाला जोड़ दिए, इधर माइनस वाला जोड़ दिए, ऐसे कार्य को बल्ब लगा दिए हैं, बल्ब विद्युत बल्ब लगा दिए हैं, और इसमें हम देते हैं यहाँ बैटरी, और इसमें पानी भरा हुआ है। अगर इसमें H+ आयन बनता, क्या बनता? H+ आयन बनता तो आयन के मूवमेंट को करंट कहते हैं, है ना, माने करंट चलने के लिए आयन का निर्माण होना चाहिए। कल ही बताए थे क्या होना चाहिए, करंट चलने के लिए मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जब इसमें H+ आयन बना यानी कि H+ आयन मुक्त हो गया तो करंट इधर से इधर जाना चाहिए और बॉल जलना चाहिए, और बॉल जल ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें H+ आयन न बना है, न करंट इधर से उधर जा रहा है, न बॉल जल रहा है। आही में कोनो HCl तक डाल दिए दो बूंद, जहाँ दो बूंद HCl डालिएगा बस फटाफट फटाफट बॉल जलना शुरू, एकदम करेंट आ गया। आ ग्लूकोज डाले हैं और क्या डाले हैं, एल्कोहल डाले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, ग्लूकोज और एल्कोहल कोई फर्क इसमें पड़ा ही नहीं, बल्ब जला ही नहीं है, क्योंकि H+ आयन बनेगा तभी ना बल्ब होगा भाई। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक करंट उसके पास नहीं होगा, सॉल्व समझ में आया नहीं आया बोलो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल में होता है, जो शुद्ध जल होता है उसे करंट पास नहीं करता। बड़ी एक अच्छा बात बता रहे हैं जिस पर किसी को विश्वास होता ही नहीं, शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है, शुद्ध जल इसमें हम रखे हुए हैं इसका पीएच का मान 7 है, हैं? इसमें क्या रखा हुआ है, शुद्ध जल जिसको कहते हैं हम लोग आश्रित जल, आश्रित जल इसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध जल, इसमें करंट नहीं पास होता है, ये विद्युत का चालन नहीं करता है, नहीं करेगा वो, शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। मतलब शुद्ध जल अगर रखा हुआ तालाब में करंट वाला तालाब को घुसा दिया है, नहीं लगेगा करंट आपको, आप ट्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि शुद्ध जल मिलता ही नहीं है, है ना, सब में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। कितना चापा करके पानी पीते हैं, फिल्टर से निकला हुआ पानी में भी अशुद्धता है, इसलिए आप ट्राई करवे नहीं कीजिएगा कि सजी कहते पानी में करंट नहीं आता है, पानी में भयंकर करंट आएगा आपको, तालाब का पानी हो खेत का पानी हो चापाकल का पानी हो सब में भयंकर करंट आता है उसमें। आ देखता है आदमी को बहुत से संतुष्टि नहीं होता है कि देखता करंट नहीं जा रहा था, नमक डाल देता है अर्थिंग में कि और करंट जल्दी जल्दी जाए, है कि नहीं है। देखिए किसी का भी अर्थिंग कराता है तो नमक रख रख के डालता है अंदर ताकि करंट का संचालन खूब तेज़ी से हो, खूब आयन बने NaCl
बने, Na प्लस Cl माइनस खूब बनेगा और आयन खूब जाएगा तो करंट तेजी से जाएगा और वोल्टेज पूरा बरकरार रहेगा। इसका अर्थिंग कमजोर हो जाता है, वोल्टेज नहीं मिलता तो क्या करता है वो, अपने अर्थिंग को खन के देते हैं, नमक डालता है, पानी डालता है, क्यों, ताकि वो आयन बनेगा तो करंट तेजी से होगा तो अर्थिंग पूरा तेजी से मिला सपोर्ट तो पूरा लाइट एकदम जलेगा पूरा वोल्टेज में, समझ रहे बात को ना। तो आश्रित जल में नहीं होता, वर्षा जल में क्या होता है हम सब जानते हैं कि अभी का वर्षा जो होता है अम्लीय होता है, क्यों होता है शोध में बताया था है ना, क्यों होता है कितने विद्यार्थी बता सकते हैं, आज इतने विद्यार्थी बता सकते हैं, ठीक अच्छी बात है, उतने एक विद्यार्थी बताया था कि वायुमंडल में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक गैस होते हैं, विषैले गैस होते हैं, उसी गैस से अभिक्रिया करके पानी क्या करता है एसिड बरसता है। आजकल बरसात में आप नहाइएगा तो देह चुनचुनाता है, आप नहा के देख लीजिएगा आपका घमौरी उमरी हो गया चाहे छिला उला कहीं गया कटा उटा गया है, आप बारिश में नहाइएगा देखिए मरचाई लिखने पर पड़ेगा आपको, अब विश्वास नहीं होता कि जब पहला बारिश हो ना, जब ये बारिश होता है बीच बीच में कभी कभी उसमें आप नहाइएगा पक्का देह जलेगा आपको, तो वो वर्षा का पानी नहीं है वो अम्ल है क्योंकि धुआं है पूरा पूरे वायुमंडल में धुआं ही धुआं है। हाँ चार पाँच को वर्षा हो जाएगा लगातार तब तब नहाइएगा तो नहीं चुनचुनाएगा उतना, क्योंकि अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है उसे ना प्रदूषण से धीरे धीरे बैठ जाता है, समझ में आएगा नहीं है, इसलिए अब बरसात में नहाना ठीक नहीं है, त्वचा खराब कर देगा आपको काला कर देगा, जो बरसात में ज़्यादा नहाता है वो और कर्जा बुजुगुना हो जाएगा और खूब देह हाथ में हुआ आएगा, समझ रहे हैं ना बात को। पहले बरसात का पानी स्वच्छ होता था, पहले बरसात में नहाने बरसात का पानी अमृत लिखा होता लोग इसलिए पीता भी था, अब जहर की तरह है क्योंकि पहले प्रदूषण नहीं ना था, पहले बैलगाड़ी टमटम गाड़ी घोड़ा गाड़ी था, आज कहीं है टमटम गाड़ी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी मिलेगा कहीं आपको, तो सर रखता है खत्म हो गया उसका जमाना, इसलिए प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। तो उसमें तो बोले क्या आश्रित जल जो होता है वह क्या होता है उसमें आयन नहीं होता है, क्या बोलेंगे आश्रित जल में आयन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, न मुक्त आयन होता है न मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए विद्युत का चरण उससे नहीं होता है। और जबकि वर्षा जल जो होता है वो अम्लीय होता है और अम्लीय में H प्लस आयन होता है, इसलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए बरसात के दिनों में पोल में सटना नहीं चाहिए क्योंकि करंट खटाक से लग जाएगा आपको, समझे, बरसात के दिनों में पोल से इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहना चाहिए, करंट का झटका तुरंत लग जाएगा आपको, आप पोल के बगल में खा रही है तो झटका मर सकता है, कोई ठीक नहीं, समझे कि नहीं समझे। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, कितने नंबर बताया भैया, हम कहेंगे जल की अनुपस्थिति में लाल रंग क्यों नहीं होता है, सिंपल सी बात है, जब तक घोले नहीं तब तक वो लाल कैसे होगा भैया, लाल रंग है हाथ में रखे हैं पाउडर है वो, देखा पानी रखने दो तब लगाने दो तब ना लाल होगा, गाल तो होगा मगर लाल होगा तब होगा धमाल होगा नहीं, बट इसमें पानी डालोगे ही नहीं तो फिर लाल कैसे होगा। ठीक उसी प्रकार से अम्ल में लागू होता है, जब तक अम्ल है भैया अम्ल है शुष्क अम्ल है वो, उसमें पानी डालो H प्लस आयन बने तब अम्लीय हो, नहीं तो कहां से होगा, आ रही बात समझ में, हम एकदम सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं, समझोगे तो बहुत अच्छा बात है। बोतल में होली कही थी, समझ में आ गया कि नहीं आया, तो इसी बात है कि जल की अनुपस्थिति में मतलब बिना जल रखे अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, जैसे कि बिना रंग पानी रखे रंग का रंग रंग नहीं होता है, उसी प्रकार से सेम टू सेम, क्योंकि अम्ल की अम्लीयता प्रकृति H प्लस आयन के बनने से होता है, अम्ल तभी होता है जब H प्लस आयन बनेगा, नहीं बनेगा नहीं होगा अम्ल। अब कोई चिल्लाएगा शुक्ल शुक्ल कि पाउडर रखे हुए हाथ में रंग है ललका रंग है पियलका रंग है, नहीं मानेंगे भैया, जब तक पानी रखेगा नहीं देखेगा नहीं तब तक पता कैसे करेगा पियर का, हमको नहीं मानेंगे भैया, आप लाल रंग पीला रंग हरिया रखें लगभग एक रखने देखने में लगता है, पानी रखने के बाद पता चलता है वो गुलाबी है लाल नहीं। पांच को विजन है ए बी सी डी ई, उसका पीएच का मान यहाँ दिया हुआ लाइन से, तो कौन उदासीन है कौन कथी है बताना है, फिर से लिख लेते हैं वो देख लेते हैं, पांच को विजन है कौन कौन है तो लाइन से लिख लीजिए, उसका पीएच का मान लिख लिया बता दीजिएगा,
ए बी सी डी ई कितना कितना बोलिए, चार एक ग्यारह सात नौ, पता है आपको, बता दिए थे सवाल, बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, ये क्या होगा, दुर्बल क्षार, ये क्या होगा, अम्ल है, इधर अम्ल है मगर एगो प्रबल है वो दुर्बल है, कौन प्रबल है, एक वाला यानी बी प्रबल है, आ कौन दुर्बल है, ए, क्लियर है ना, तो लाइन से बता सकते हैं, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, एक नहीं उदासीन नहीं है, ये प्रबल क्षार, उदासीन, दुर्बल क्षार, ऐसा में ये बता दिए थे पहले, हाँ इसलिए पहले बता दिए थे, बोले तो एक मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, देखो सब वही लिखा हुआ है, अब बढ़ते हुए क्रम लिख दिया, कौन कथी कथी है, से लिख दिया, अब प्रणाली ए है बी है, समान लंबाई वाला मैग्नीशियम पट्टी लीजिए कहीं है, ए और ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी में सी ए सी ओ थ्री डालिए, तो एकदम आसानी से बता सकते, कोई भी बता सकता है, एकदम आसान सवाल है, देखो क्या है, दो प्रणाली है, एक प्रणाली ए है, प्रणाली मतलब होता है बोतल, शीशा के बोतल को कहते हैं प्रणाली, बन गया है, दोनों समान लंबाई वाला एकदम सेम सेम टू सेम, तो कोई अंतर नहीं, ठीक है ना, सेम टू सेम, अब क्या करा इसमें, समान लंबाई के भी है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है एस सी एल, क्या है एस सी एल, इसमें जानते हैं क्या है, इसमें एसिटिक अम्ल है जो है सी एच थ्री सी ओ ओ एच, एसिटिक अम्ल, अब बताइए कौन खतरनाक अम्ल है, ये वाला कि ये वाला, यानी एस सी एल की एस ए मान ई वाला, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, लेफ्ट वाला, ये क्या है प्रबल अम्ल है, क्या है प्रबल, आई क्या है दुर्बल अम्ल, क्या दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल मतलब अब मैग्नीशियम का फीता डालेंगे, मैंने धातु डालेंगे इसमें, क्या डालेंगे हम लोग धातु, मैग्नीशियम का एक रिबन डाले इसमें भी, मैग्नीशियम का रिबन डाले इसमें भी, किसमें ज्यादा बुदबुदाहट होगा, तो जो खतरनाक होगा वो ज्यादा गलाएगा उसको ना, कौन खतरनाक है, इसमें ज्यादा बुदबुदाहट होगा, इसमें कम बुदबुदाहट होगा, क्योंकि ये खराब अम्ल है, ये बहुत अच्छा अम्ल है, तो ज्यादा गलाएगा खड़काएगा उसको, लॉजिक सिंपल है, भारी है एकदम सिंपल, जिससे डर लगता था हम लोगों को, हमको खुद इससे डर लगता था, हमने सारा लवण वगैरह चेस चेस पता नहीं क्या होता, जिसको जब हम विद्यार्थी थे तो हमको लगता था क्या ये सर दुखा कर, ये पढ़ा रहा अंग्रेजी बीच बीच पढ़ा, हिंदी में अंग्रेजी घुसा दिया, तो मगर आज लगता है कि कितना आसान था ये काम, मतलब कितना आसान से आसान था, काश उस समय समझे होते हैं तो जरूर स्टेट टॉपर बने होते, पाँच वो गाँव का टॉपर बन के रह गए, फिर भी पाँच गाँव में सबसे ज़्यादा नंबर मेरा था, बहुत गर्व की बात है हमको, अच्छा तो लगता था, बहुत अच्छा लग रहा था, मैं अफसोस भी लगता है कि काश अगर समझे होते रट के नंबर उतना ला दिए थे, सोच लीजिए समझ में कुछ नहीं आ रहा था उस समय, खाली मैथ का कुछ समझ में नहीं आता था, मैथ समझ में हमको बचपन से आता है, मैथ के तो बचपन से हम गुण हैं, मैथ के क्वेश्चन मिल जाए कहीं भी, कैसनों क्वेश्चन है दो सेकेंडों नहीं लगेगा बनाने में, हमको तुरंत बना देंगे, क्योंकि आपको बताने में समझ आता है आधा घंटा एक घंटा आपको समझाने के लिए लगाते हैं, सवाल तो देखते ही बन जाता है, दो बार पढ़े बस बन गया आंसर से सब समझ में आ जाता है, गूगल से भी फास्ट चलता है मेरा, तो जैसे तुम लेंस में खींचेगा डालेगा तब तक हमारा हो गया आंसर पूरा, मैट्रिक तक का कोई भी सवाल कोई भी प्रकाशन कर रहे हैं कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी मज़ा आता है बनाने में, हमको अभी फ्री टाइम मिल जाना था मैथ को बना, हम मैथ लेकर बनाने लगते हैं कोई भी सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल पूछते हैं, और ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है, दही बनने पर इसका पीएच का मान क्या परिवर्तन होगा, दूध का मान कितना होता है, अम्लीय कि क्षारीय, दूध अम्लीय हो गया क्षारीय हो गया, दूध में अम्लीय होता है 6 होता है पीएच का मान, तो अम्लीय है, और दही जब डाल दूध में डाल दिए क्या दही का जो डाल दही बनेगा तो पीएच और खट्टा होगा, तो इसका पीएच का मान क्या होगा, और घट जाएगा 6 से और कम जाएगा, नहीं सिंपल सी बात है, दही दूध का पीएच का मान दही के पीएच मान से कम ही ना होगा, दही जब बनेगा तो पीएच का मान क्या होगा बढ़ जाएगा, क्यों घटेगा ना जी, घट जाएगा, क्यों, क्योंकि अम्ल और ज्यादा बन जाएगा ना, दूध से ज्यादा अम्लीय होता है दही, आपको तो पता है दूध अम्लीय होता है, नहीं दूध अम्लीय होता है नहीं, मान लो पीने में नहीं लगता खट्टा, हाँ फटने के बाद लगता है खट्टा नहीं, अला एक ग्वाला जो है एक राय जी है, ठीक है ना, ग्वाला में राय जी
राज क्या करते हैं, ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मार देते हैं। काहेला मारते हैं, देखिए दूध का पीएच का मान कितना है, 6, यानी अम्ल है। आज यहाँ से ले जाना है मुजफ्फरपुरम को दूध को, ग्वाला जी को ले जाना है, कहा मुजफ्फरपुर का ऑर्डर है, ले जाना है 4 क्विंटल दूध लेके जा रहे हैं, कहीं रास्ते में फट गया तब 4 क्विंटल का पैसा बर्बाद, पिकअप पर लाद के ले जा रहे हैं, पिकअप का भाड़ा बर्बाद, पार्टी का बेचारा वहाँ पर शादी ही लड़की का होकर शादी गड़बड़ हो रहा है, फिर जमुआ दही लाएगा, वो जमुआ वो केमिकल वाला 5 मिनट में बना देता है, वो वाला दही, वो दही लेके आएगा जो केमिकल होगा, बराती से खाएगा, कहेगा बेइज्जती बेइज्जती हो जाएगा, अभी क्या करेगा, सोचा कि पैसा भी बर्बाद, सब तो राज्य को बेइज्जती से मतलब नहीं, उधर का मतलब है, इधर का भैया हमको दूध नहीं फटे, खाली काम खत्म, पैसा मिले काम खत्म, ओकरा बाद तू अपना घर है हम अपना घर है, फटलो तो हम कभी करियो। तो वो क्या करता है, रिक्स नहीं लेता है, 4 क्विंटल दूध का दाम ना हुआ भैया 60 रुपये के साथ जोड़ लीजिए आप, हाँ 1 क्विंटल का दाम 6000, 6 चौका 24000 रुपये का दूध है, वो भाड़ा लगा के 25000 रुपये का खेला है ना, और उसे ले रहा पार्टी से 30000 रुपया, वो 5000 ज़्यादा एक्स्ट्रा लगन का समय है अभी, अब 30000 का दूध लेकर जा रहा है, रास्ते में फट गया तो गया काम से, अब पत्नी उधर का स्वाद करेगी बेलना से मारने के लिए, 30000 रुपये हार खाया है, इसलिए रिक्स नहीं लेता वो क्या करता जानते हैं, उस दूध में बेकिंग सोडा मिला जाता है, मैंने क्षार मिला जाता है, तो क्षार जैसे मिलाएगा उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगा, क्या पीएच का मान बढ़ जाएगा, हो जाएगा 6.5, अब रास्ता जब जब तक जाएगा मुजफ्फरपुर पहुँचते पहुँचते हो जाएगा 6, ठीक है दूध फ्रेश एकदम, फटबे नहीं करेगा वो दूध, मगर एक बात है ज़्यादा बेकिंग सोडा मिलाने के बाद दही नहीं बनेगा उसका, वो कहे आएगी जमते नहीं दही तो हम क्या करियो, तू जोड़न तो कम रख लो बात हम कभी करियो, वो बेकिंग सोडा मार देता है दूध, तुम चाहोगे ना जितना रखना उतना नहीं रख सकते दूध, कह दूध फट जाता है, मार दो बेकिंग सोडा थोड़ा सा दबा कर मार दो, साल भर में नहीं फटेगा वो, मगर कोई काम का नहीं रहेगा, खाली दूध देखने में लगेगा दूध है, समझा क्या नहीं समझिए, दूध फटेगा नहीं मगर वो बेकार हो जाएगा, माने पीएच का मान उसका बढ़ जाएगा, पीएच का मान बढ़ जाएगा तो छाड़िए उदासीन हो गया वो, अब 7 पर पहुंचा देंगे पीएच का मान उसका, 7 पर पहुंचाते उदासीन अगर बना दिए तो उसको 6 पर आने में हालत खराब हो जाएगा, और दही बनने के लिए और 6 से नीचे जाना चाहिए उसको, लगभग 5-3 पर जाकर तो मैंने 4 पर जाएगा या 5 पर जाएगा तो दही बनेगा वो, है तो अब बताइए 7 पर पहुंचा, पहले कितना पे था 6 पे, और छाड़ मार दिए उस पर तो क्या पहुंच गया 7 पे, अब उसको नीचे हमको जमाना है दही तो लाना है 4 पे तो होगा बहुत दिक्कत से जमेगा, जमे नहीं करेगा, समझ रहे हैं, तो राज अपना काम तो निकाले 30 साल पहले के चले आए बेचारा दही जमीन रहा है, अब क्या करेगा बेचारा, वो दही पे दही मारे जा रहा है, नहीं मैं तक हिसाब से मिलाता है ताकि वहाँ तक जाए जम भी जाए, उसका अनुमान रहता है राज्य को, आराम से मुठियों में उठा कर फेंक देंगे तो समझ जाएंगे कितना है, बेचारा एल वी यादव जेल में जा रहा है, क्या बात है भाई, उसका पता है कभी हो गया है, मैक्सट्रेन से भीड़ भाड़ कर लिया, कहे मारा दू थप्पड़ घींच के उसको मैक्सट्रेन को, मुँह हाथ से फोड़ दिया उसका, एल वी यादव नाम तो सुना होगा, कट्टर हिंदू है वो, देखिए अगला सवाल क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमुआ होता है, जमता खटाक दिगर बोले थे पीओपी बताया था ना, पानी में घोड़ा फटाक दिगर लगा देना तो बस जम जाएगा एक दिन में, पत्थर हो जाएगा एकदम, इसीलिए उसको आद्ररोधी बर्तन है, सुनो उसको ऐसा बर्तन में रखो जहाँ पर नमी नहीं हो, नमी मिलेगा जमना शुरू से, सीमेंट देखो सीमेंट और सीमेंट को रोक कादो लग प्लास्टिक का कादो में रख दो, कादो लग रख दो जमेगा कि नहीं जमेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उससे भी खतरनाक होता है, तो उसको आर्द्ररोधी बर्तन में मतलब ऐसा जगह पर रखा जाता है ताकि उसे हवा का कांटेक्ट न रहे, मतलब हवा में भी जम जाता है वो, सीमेंट तो जम जाता है हवा में, नहीं जमता ठंडा के मौसम में, मारते लाते लाते फिर फोड़ता है लोग उसको, आ एक बार जम गया तो फिर बेकार हो गया सीमेंट, उसका टेम्परे खत्म, अला उदासीनीकरण की अभिक्रिया से शाह कह सकते, अरे भैया हम जानते हैं अम्ल में क्षार का अभिक्रिया कराते उदासीनीकरण बनता है, क्या कहते उसको उदासीनीकरण, अम्ल में क्षार मिला देंगे तो क्या बनेगा लवण और जल बनेगा, एग्जाम्पल दिया हुआ कह वो पढ़े हुए हम लोग सब उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, धोने का सोडा बेकिंग सोडा का उपयोग बता दिए, कह ये दूध को कह रहा है हम चाचा को बताए हुए मुझे आधे बताए हुए तो इसको पढ़ना ही नहीं, खत्म इस प्रकार से आपका पाठ खत्म हो चुका है, बढ़िया सा हमारे क्षार लवण हो गया, अब नेक्स्ट डे आप लोग मैथ को लेकर आइएगा है ना।